तो जो हमारा फर्स्ट चैलेंज है वो आप देख ही सकते हैं कि ये जो हमें स्टार्ट में जो कार मिलता है वही, वो तो पहले अलग था, अब ये चेंज हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अब बदल गया है। तो इस वाले अपडेट में आपने एंट्री तो गौर किया होगा कि जो हमारी एंट्री है वो पहले इस रोड पर होती थी और अब जो हमारी एंट्री है वो इस गैराज के सामने हो रही है। तो आपको ये चेंज पता ही चल ही गया होगा। तो जो ओल्ड प्लेयर्स थे उन्हें पता ही होगा कि पहले इस कॉइन के बदले में कार्स का आइकन दिया जाता था जिसे हम कार अनलॉक कर सकते थे, और अब ये बदल के कॉइन कर दिया गया है। तो इस वाली कॉइन पर एक और चेंज भी है, तो आप ये चेंज देख सकते हैं। कि जब हम इस कॉइन को लेते हैं और फिर से इसके पास जाते हैं तो एक साइन बता रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉइन अवेलेबल इन। तो इस वाले अपडेट में हमारे डेस्टिनेशन का मार्क बदल दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे अभी 500 किलोमीटर और आगे जाना है, तो उसका मार्क आप देख ही सकते हैं, और मुझे जाना है एयरपोर्ट, ये आप देख ही सकते हैं उस साइन के ऊपर। तो इस वाले चेंज में हमारी एयरपोर्ट की एंट्री बदल दी गई है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये वाली एंट्री तो पहले से ही थी, ये चेकिंग पासपोर्ट वाली। तो उसके बाद जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि शानदार सा व्यू बता रहा है एयरपोर्ट का, तो एंजॉय कीजिए। तो एंट्री की बात की जाए तो हमारे ऑफ रोड जोन की भी एंट्री अब बदल दी गई है, तो ये भी आप एंजॉय कीजिए। तो एंट्री में एक और चीज़ आती है, वो है अपना गैराज या कैराज, आप जो भी बोल सकते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी एंट्री भी बदल दी गई है। तो गैराज की बात आ रही है तो इसमें एक और चेंज है कि आप देख सकते हैं कि गैराज के ऊपर में एक येलो कलर का साइन बता रहा है। तो ये है, ये मार्क करता है कि यहाँ पे गैराज है, तो आप ये भी देख सकते हैं। अरे भाई, पूरा गेम ही चेंज कर दिया, और क्या चेंज करेंगे, इट्स जस्ट फॉर। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।